वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म परमाराधितम श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज की चरणों में अनंत कोटि धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज की चरण कमलों का आश्रय लेते हुए समस्त रूपानुगुरु परंपरा की चरणों में अनंत कोटि धन्यवाद प्रणाम। यहाँ उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मेरा यथायोग्य प्रणाम। देखो आज एक विशेष तिथि है। अभी दो चार दिनों से जो क्रम आरंभ हुआ है लगातार काफी सारी तिथि आई है। अद्वैत आचार्य की आविर्भाव तिथि थी, उसके बाद में सब में उसके बाद में कल हमारे जो संप्रदाय है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के जो कलिकल में आचार्य हुए मध्वाचार्य उनकी तिथि थी कल। आज भी एक संप्रदाय के महान आचार्य उनकी आज तिथि तिरुभाव तिथि, आज श्री रामानुज आचार्य की तिरुभाव तिथि। इसलिए हम लोग श्रवण कर रहे थे ना पहले कि जिस प्रकार कृष्ण की जन्मतिथि विशेष गुरुत्व धारण करती है उसी प्रकार वैष्णव की तिथि को भी हमें पालन करना चाहिए। उससे क्या मिलता है हमको, हमारे साधन भजन में बल मिलता है। इसलिए बताया गया है पद्म पुराण में एक श्लोक आया है कि संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते विफला मता अतः कलो भविष्यन्ति चत्वारि संप्रदायिनः। कि बता रहे श्लोक के अंदर कि संप्रदाय अगर कोई विशेष धारा के अंदर अगर कोई संप्रदाय के अंदर नहीं आए, संप्रदाय के अंदर आके और अगर कोई मंत्र को ग्रहण ना करे, यदि आप भगवत भजन करना चाहते हो, भगवत भजन करने के लिए ऐसे नहीं किसी ऐरे गरे गुरु को अपना गुरुदेव बना लिया और हम भजन कर रहे हैं, नहीं। जैसे बताया कि कोई लाइन लगी है, गुरुदेव उदाहरण के माध्यम से बतलाते हैं, अगर आप ठीक ठीक लाइन में खड़े हो तब तो श्योरिटी है आपका नंबर आएगा, लेकिन अगर आप ठीक लाइन में नहीं खड़े हो, बिना लाइन के खड़े हो, तो क्या उसका कोई प्रयोजन नहीं है, ठीक है। इसलिए जो लाइन जो धारा आ रही है जो संप्रदाय है, इस संप्रदाय शास्त्रों में पद्म पुराण में पहले ही उल्लेख कर दिया है कि कलयुग के अंदर चार संप्रदाय होंगे। चार संप्रदाय होंगे कौन कौन से, श्री ब्रह्म रुद्र और सनक। ये चार इनके प्रवर्तक हैं, श्री अर्थात लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी से जो संप्रदाय आरंभ हुआ उसको श्री संप्रदाय कहते हैं, और उसके जो आचार्य हैं उन्हीं की आज शुभ तिरुभाव तिथि है, श्री रामानुज आचार्य, ठीक है। कल जिनकी तिथि थी कल क्या था, मध्वाचार्य। वे हमारे संप्रदाय, हमारा संप्रदाय कौन सा है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो हमने कल श्रवण किया था उनके महिमा के विषय में। ये रामानुज आचार्य आज इनके इनकी जो दिव्य चरित्र है उसके विषय में हम थोड़ा सा श्रवण करेंगे। इनके अगाध चरित्र, इनका जो लीला है अपने जन्म से ही, इनके जन्म से ही ये अलौकिक पुरुष थे, इसके लक्षण देखे जाते हैं। हम कल श्रवण कर रहे थे ना किस प्रकार मध्वाचार्य के माता पिता ने क्या किया था, वयोवृत किया था और बड़े कष्ट से उनको फिर एक संतान की प्राप्ति हुई थी। उसी प्रकार ये रामानुज आचार्य भी जब इनके माता पिता को जन्म हुए थे, इनके पिता का नाम और माता का नाम उल्लेख है, इनके पिता का नाम मेरे ख्याल से केशवाचार्य, इनके पिता का नाम था केशवाचार्य और इनकी माँ का नाम था कांतिमती। इन दोनों से ये दिव्य महापुरुष का जन्म हुआ था। उस समय पर जैसे हम लोग कहते हैं ना महाभागवत, तो इनके जन्म के समय पर एक महाभागवत थे जिनका नाम था यमुनाचार्य। तो इन यमुनाचार्य के एक शिष्य थे जिनका नाम था शैलपूर्ण। ये शैलपूर्ण इनके कांतिमती के भाई थे। कांतिमती कौन, रामानुजाचार्य की जो माँ है उनके भाई थे शैलपूर्ण, और ये शैलपूर्ण उन महापुरुष के शिष्य थे, ठीक है, उनके मामा हुए, जब रामानुजाचार्य के मामा हुए। तो जब इनका जन्म हुआ, जब रामानुजाचार्य का जन्म हुआ था, उस समय पर इनकी माँ ने इनको बुलाया। शैलपूर्ण ने जब अपने भांजे की कुंडली इत्यादि देखी, नक्षत्र इत्यादि देखे, तो इनके नक्षत्र देखकर वे बड़े अचंभित हुए, बड़े अचंभित हुए। उन्होंने देखा कि इनके नक्षत्र जो राम जी आए थे, राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण, लक्ष्मण से बिल्कुल मेल खाते थे, लक्ष्मण से ऐसे गुण इनके जो देखे थे, इनके नाड़ी नक्षत्र को देखकर वे बड़े अचंभित हो गए, और इनके गुण साक्षात लक्ष्मण से मेल खाते हैं, इसलिए उन्होंने इनका नाम लक्ष्मण ही रख दिया, इनका नाम लक्ष्मण ही रख दिया। और बचपन से ही ये जब थोड़े बड़े हुए, इन्होंने क्या किया, अभी शिक्षा ग्रहण करनी है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए उस समय पर एक थे यादवाचार्य, तब के एक मायावादी गुरु थे,
उनके पास में शिक्षा लेने के लिए गए यादवाचार्य, और बड़े ही मेधावी थे, बड़े ही इंटेलिजेंट जिसे कहते हैं, बड़े ही मेधावी पुरुष थे। शुरू से इनके बड़ा रुझान था वेद शास्त्र के प्रति, और इन्होंने बड़ी कम उम्र में ही सारे शास्त्रों का अध्ययन किया उनकी गाइडेंस में। अभी गुरुग्रह में रहते हुए भी इनके जीवन की कई अलौकिक लीलाएं हुई हैं, हम एक एक करके उसको श्रवण करने की चेष्टा करेंगे। एक समय क्या हुआ था, ये अपने राजा के, उस समय पे जो राजा था यमुना, यादवाचार्य के तब बहुत नाम था, यादवाचार्य मायावादी थे, वे बड़े ही ब्रह्मज्ञानी थे, तो जब भी कुछ होता तो इन यादवाचार्य को बुलाते थे। एक समय राजा की एक पुत्री थी, उस राजा की पुत्री को ब्रह्मदैत्य ने, भूत ने पकड़ लिया था, ब्रह्मदैत्य ने उसको पकड़ लिया था, तो उस वजह से वो क्या कर रही थी, जब ब्रह्मदैत्य आक्रमण कर लेता शरीर पे, शरीर की सुध नहीं रहती, वो विवस्त्र होकर घूमती थी, अपने बाल नोचती थी, तरह तरह की जैसे भूत आने पर हरकतें करते ना, वो अपने आप को मारने लग जाते हैं उनको, क्योंकि शरीर की स्मृति नहीं होती, ये उनकी राजा की पुत्री भी इसी प्रकार कुछ करती थी। ब्रह्म राक्षस था वो, एक ब्रह्म राक्षस, बोलो श्री जगन्नाथ बलदेव। तो ये उनकी पुत्री के अंदर ब्रह्म राक्षस ने आक्रमण कर लिया था। अभी उसको ठीक करने के लिए इस राजा ने यादवाचार्य को बुलाया, यादवाचार्य वहां पर जाकर, और राजा ने सोचा था कि यादवाचार्य आएंगे, वेद की ऋचाओं का पाठ करेंगे, उससे भूत भाग जाएगा, साधारण भूत हो तो भाग जाएगा। अभी जब यादवाचार्य वहां पर आए अपने शिष्यों के साथ में, उसके साथ में कौन, ये लक्ष्मण, रामानुजाचार्य है, ये भी आए थे। ये लक्ष्मण जब वहां आए थे, ये यादवाचार्य वहां पर वेद की ऋचाओं का पाठ कर रहे हैं बड़े सुंदर रूप से गान करते हुए, लेकिन वो जो भूत उसमें आवश्यक था उनकी बेटी में, वो साक्षात भूत वहां पर बोलने लगा, बोले वेद की ऋचाएं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं खुद ब्रह्म राक्षस हूँ। ब्रह्म राक्षस कब बनते हैं, कोई ब्राह्मण यदि बहुत साधन भजन करते करते और उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, असमय मृत्यु हो जाती है, तब जाकर वो ब्रह्म राक्षस बनता है। उनको सारा वेद गीता रामायण इत्यादि सारा ज्ञान होता है ब्रह्म राक्षस को, तो वो बोलता है कि ये तुम मुझे क्या पढ़ा रहे हो, इससे मेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन ये तुम्हारे साथ में जो तुम्हारा चेला है लक्ष्मण, अगर इस लक्ष्मण का तुम मुझे चरणामृत दे दोगे तो उससे मेरा उद्धार हो सकता है। वो ब्रह्म राक्षस था, वो साधारण नहीं था, उसने यादवाचार्य के पूर्व जन्म को भी जानता था, वो जो गुरु है यादवाचार्य उसके पूर्व जन्म के लिए बताते हुए कहता है कि तुम्हारे वेद उच्चारण से मेरा कुछ नहीं हो रहा था, तुम्हारे वेद उच्चारण से मेरा कुछ नहीं होगा, तू तो खुद पूर्व जन्म में गोसाप था, गोसाप क्या होता है, गिरगिट जैसा, गिरगिट जैसा एक प्राणी होता है, गोसाप होता है, नेमले से थोड़ा बड़ा होता है, बहुत जहरीला होता है। तो उसने बताया कि तुम तो खुद पिछले जन्म में गोसाप थे, और किसी वैष्णव ने प्रसाद पाके अपना उच्चिष्ट पानी में फेंका, तुमने वो वैष्णव के उच्चिष्ट ग्रहण किया, तब जाकर तुम्हें ये ब्राह्मण जन्म मिला है, तो तुम्हारे पूर्व जन्म तो ऐसा था, तुम मेरा क्या उद्धार करोगे। यहाँ पर देखो बता रहे किस प्रकार भजन के लिए बताया गया ना, नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या कहा, भक्त पद भूली भक्त पद जल और भक्त भुक्त शेष तीन साधन निर्बल, तीन चीजें विशेष करके बताई गई है, क्या भक्त पद धूली, भक्तों की चरण धूली, भक्त पद जल उनका प्रक्षालन क्या हुआ चरणामृत, और भक्त भुक्त शेष उनका उच्चिष्ट, उच्चिष्ट अर्थात प्रसाद उच्चिष्ट या उनके मुख से हरि कथा, ये तीनों क्या है साधन निर्बल। अगर किसी को भक्ति प्राप्त करनी हो, ये तीनों से अनायास ही उसे भगवत भक्ति प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर वैष्णव के उच्चिष्ट की महिमा बतलाते हुए कह रहे हैं किस प्रकार वो पिछले जन्म में एक निम्न योनि में था और उसे इस बार ब्राह्मण का जन्म प्राप्त हुआ। ब्राह्मण जन्म प्राप्त हुआ तब वहां पर इन्होंने कहा कि तुम मुझे इस लक्ष्मण का चरणामृत दो, अगर इस लक्ष्मण का मुझे चरणामृत दोगे तो इससे मेरा उद्धार हो जाएगा। ये बात सुन के तो यादवाचार्य बड़े आश्चर्यचकित हो गए, बोले चेले के गुरु के सामने चेले का सम्मान हो रहा है, वो तो मायावादी गुरु थे, कि कोई सदगुरु यदि हो उसके सामने यदि शिष्य की महिमा मंडित हो तो ये तो बहुत उसके लिए गर्व की बात है, लेकिन वो तो मायावादी गुरु थे। मायावादी गुरु अर्थात क्या, अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार की धारणा रखने वाले, ये अहम अहम मैं ही सर्वस्व हूँ, सर्वस्खलम इदम, यही है ना, तो उनकी फिलोसफी ऐसी थी, तो उनको तो बड़ा अहंकार था अपने ऊपर, और उनके सामने वो तो नीचे हो गए, उनके पूर्व जन्म का इतना इतिहास भी बता दिया, उनको याद से लक्ष्मण से ईर्ष्या होने लगी, और तब वहां पर लक्ष्मण का चरणामृत से उसका ब्रह्मदैत्य का उद्धार हुआ। बाद में कभी इनको तब वहां से ईर्ष्या तो होने लगी थी, कभी जब ये वापस आश्रम में आए, आश्रम में आने के बाद में एक समय क्या हुआ, इनके शिष्य कोई एक शिष्य यहाँ पर लक्ष्मण जी यादवाचार्य की सेवा कर रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे, उनके श्रीअंग की सेवा कर रहे थे। उस समय पर किसी शिष्य ने आकर और एक श्लोक का उनसे अर्थ पूछा, वो श्लोक इसका छांदोग्य उपनिषद का एक श्लोक था,
कि कप्यासनम पुंडरीक एव अक्षिणम। ये कप्या छांदोग्य उपनिषद का एक श्लोक है, इसके अंदर बता रहे हैं कप्या भगवान के नेत्र की महिमा, भगवान की जो नेत्र कमल है उसकी उसकी माधुर्यता को वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि भगवान के नेत्र कमल कैसे हैं, कप्यासन उन कमल के समान उनके भगवान की आंखें हैं। अभी लक्ष्मण वहां पर था और इस शिष्य ने पूछा, अभी जैसे शंकराचार्य की टीका है मायावाद पर टीका है उसके अनुरूप ये यादवाचार्य ने उसका अर्थ किया, क्या पूछा, बोले कप्यासन, कप्यासन कपी, कपी अर्थात बंदर, कपी अर्थात बंदर, और आसन, आसन अर्थात पृष्ठभाग। तो बंदर का पृष्ठभाग जैसा लाल लाल होता है वैसे ही भगवान के नेत्र हैं, और ऐसी इतनी गंदी व्याख्या सुन के भगवान कौन है, भगवान कौन, सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसे भगवान के जो पद्म पलाश लोचन, ध्रुव जी क्या कहते हैं भगवान के लिए, वे पद्म पलाश लोचन है उनकी, जैसे कुंती महारानी ने बताया ना नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिनी, भगवान का तो इतना सुंदर स्वरूप है, वरह पीड़म नटवर वपु, इतने सुंदर स्वरूप को अगर किसी ने तुलना करी किसके साथ करी, बंदर के पृष्ठभाग से, तो उनको तो बड़े क्रोधित हुए, क्योंकि लक्ष्मण कौन विभक्त है, वे साक्षात लक्ष्मण है, लक्ष्मण साक्षात है राम के अनुज है, ठीक है, उनको ऐसी मायावत पर व्याख्या सुन के बड़ा दुख हुआ। और गुरु जी है, गुरु जी से तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन क्रोध में पूरे लाल हो गए, क्रोध में लाल होकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, आंखों से अश्रुपात होने लगा, अश्रुपात होने लगा, तब गुरु जी की सेवा कर रहे थे, गुरु जी की सेवा करते करते वो आंसू ना गर्म आंसू, एकदम क्रोध में कैसे गर्म आंसू निकलते, वो गर्म आंसू गुरु जी के श्रीअंग पर लगे, उनको जैसे लगे गुरुदेव को मतलब अनुभूति हुई है क्या हुआ, उन्होंने जब लक्ष्मण की ओर देखा बोला तुम रो क्यों रहे हो, तुम क्यों क्रंदन कर रहे हो, बोले गुरुदेव आपने जो श्लोक की इस प्रकार व्याख्या करी ये तो व्याख्या ठीक नहीं, गुरुदेव को वैसे ही उससे ईर्ष्या तो थी पहले भूत वाला जो इंसिडेंट हो ही चुका था, ये सुन के तो गुरुदेव बड़े क्रोधित हो गए, बोले तुम शंकराचार्य की साक्षात व्याख्या जो है उससे मैंने तुमको बताया है, उससे मैं बता रहा हूँ, और तुम उसके अंदर भी अपनी टीका लगा रहे हो, तुम उसके अंदर भी दोष देख रहे हो, बोले उन्होंने सोचा कि हो सकता है ग्रामर की कोई मिस्टेक होगी इस वजह से वो कह रहा है, तो उन्होंने कहा कि तुम इसको ठीक व्याख्या कर दो, तुम बता दो। तभी लक्ष्मण यहाँ पर व्याख्या करते हैं, क्या शब्द क्या है, कप्यासन, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कम पिबती जलम, कम अर्थ का अर्थ बताए यहाँ पर जल, जल को जो पीता है, जल को कौन पीता है, सूर्य, सूर्य, ठीक है, और आसन, आसन अर्थात प्रस्फुटित होना, हाँ, तो जल सूर्य से कौन प्रस्फुटित होता है, कमल, तो यहाँ पर बता रहे हैं भगवान के जो आंखें हैं अक्षणी, कप्यासन एव पुंडरीक एव अक्षणी, भगवान पुंडरीकाक्ष के आंखें कैसे हैं, कमल के समान है, इसलिए उनके कमल लोचन है भगवान के। जब लक्ष्मण ने इस प्रकार की सुंदर व्याख्या कर दी भगवान के सुंदर रूप, क्योंकि वे तो भक्त हैं, भक्त के हृदय में ही भगवान का सुंदर स्वरूप प्रकाशित होता है, जब उन्होंने इस प्रकार की व्याख्या करी, अब ये जानते तो थे मायावाद, यद्यपि मायावाद शंकराचार्य की टीका पढ़ते थे किंतु उनकी व्याख्या एकदम ठीक है समझ के, इसको सुन के तो बड़े लज्जित हो गए शिष्य के सामने, पहले जब भूत वाला कांड हुआ तभी शिष्य के सामने इनकी व्याख्या उन्होंने गलत बता दी, फिर कभी ऐसा ही हुआ उन्होंने और एक वेद से एक ऋचा थी उसका सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, इस प्रकार के भगवान कौन है वो निर्विशेष है निर्विकार है, इस प्रकार की व्याख्या वो मायावाद पर व्याख्या करते थे, उसको भी खंडित करते हुए इन्होंने वैष्णव मत से व्याख्या कर दी, इस प्रकार करते करते उनको बड़ा उनसे ईर्ष्या हो गई, और उन्होंने अंत में क्या सोचा ये जरूर शंकराचार्य के मत को खंड विखंड कर देगा, इसलिए इसको इसको हम जान से मार देंगे, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया। अभी उन्होंने क्या किया अपने शिष्य के साथ में बोला, हम बोले तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, तीर्थ यात्रा पर त्रिवेणी में हम जाएंगे, और शिष्यों के साथ में क्या कि इसको हम जो बीच जंगल में छोड़ देंगे, इसको जानवर इत्यादि खा जाएंगे, वहीं पे ये मर जाएगा, ऐसी प्लानिंग करके वो अपने आश्रम से निकले, इसको लक्ष्मण को मारने के उद्देश्य से, लक्ष्मण को मारने के उद्देश्य से। अभी उसी वही यादवाचार्य का एक शिष्य था जिसका नाम था गोविंद, ये इनका कोई संबंधी था, कोई मासी का बेटा कुछ था, तो लक्ष्मण का मासी का बेटा था, उन्होंने लक्ष्मण को जाके बोल दिया, ये जो रामानुजाचार्य उनको जाकर बोल दिया कि देखो लक्ष्मण ये कोई तीर्थ यात्रा पर नहीं जा रहे, तो मैंने मारने के उद्देश्य से गुरु जी यात्रा लेकर जा रहे हैं, तो इसलिए तुम अपने प्राण की रक्षा करके भागो यहाँ से। लक्ष्मण को जैसे ये हिंट मिला वो उन टोली से अलग हो गए, टोली से अलग हो गए, अभी घनापुर जंगल, पहले तो ऐसे सुंदर रास्ते नहीं होते थे, अभी तो जीपीएस वगैरह सब नेविगेट करने में बड़ा ईजी है, पहले सब वन के मार्ग से जाते थे और दिशा देखते हुए जाते थे,
वन मार्ग से जाते हुए अभी लक्ष्मण रह गया अकेला, सारी टोली चली गई आगे, गुरुदेव सबको लेकर आगे चले गए। लक्ष्मण को अब वहां असहाय है, भय भी लग रहा है। तभी वहां पर साक्षात लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण उनकी सहायता करने के लिए आ गए। एक व्याध और उसकी पत्नी के रूप में वहां पर आ गए। एक शिकारी जो होता है ना, उसकी पत्नी के और उसकी पत्नी लक्ष्मी नारायण दोनों वहां पर आकर और इसकी लक्ष्मण की सहायता करी। सहायता करते करते उनके साथ साथ वो चल रहे थे। अभी ये जो व्याध की पत्नी थी, इनको प्यास लगी। प्यास लगी तब व्याध जाने लगा उनके लिए पानी लेने के लिए। लक्ष्मण ने कहा, बोले आप यही उनको, मैं जाके पानी लेकर आता हूँ। लक्ष्मण वहां पर गए, पास में एक कुप था, कुप के अंदर से पानी ले, सरोवर के यहाँ से पानी लेकर आए। उनको एक बार, दो बार, तीन बार पानी पिलाया। चौथी बार जब दोबारा लेने गए तो वे अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। और उन्होंने देखा ये लक्ष्मण कहाँ जा रहे थे, कांचीपुर जा रहे थे, जहां पर वरदराज, वरदराज ठाकुर जी है ना साउथ में, ये ठाकुर जी वहां पर जा रहे थे ये। तो देखा इन्होंने कि वो दोनों का अंतर्ध्यान हो गए और ये साक्षात वही जो कांचीपुर स्थान है वहीं पर ही पहुंच गए, वहीं पर ही पहुंच गए। वहां पर जाके वरदराज के जो पुजारी थे, एक बड़े अच्छे पुजारी थे, उनको जाकर जब इन्होंने ये सारी बात कही तो वहां पुजारी ने इनको कहा कि वे साक्षात लक्ष्मी नारायण ही थे और तुम्हारी सहायता करने के लिए वे आए थे, इसलिए उन्होंने इस ये सरोवर का जल ग्रहण किया है। तुम इसी सरोवर से क्या करो, रोज ठाकुर जी की सेवा करना, रोज इस यहाँ का जल ठाकुर जी की सेवा के लिए लेकर आना, ठीक है। अभी इस प्रकार से, और यहाँ पर पीछे से यादवाचार्य जो थे, यादवाचार्य सोच रहे थे लक्ष्मण जरूर जानवरों ने खा लिया होगा, मर गया होगा ये। किंतु ये यादवाचार्य जब कांचीपुरम पहुंचे, इन्होंने देखा लक्ष्मण जीवित है, देखकर वे बड़े आश्चर्यचकित हो गए और कुछ बोला तो नहीं, लेकिन बस सामने सामने प्रेम दिखाने लगे। बोले अच्छा हुआ तुम जीवित हो, हम सोच रहे थे तुम मर गए, ये हो गया वो हो गया। लेकिन लक्ष्मण तो सब जानते थे, उन्होंने क्या किया, लक्ष्मण को बोला तुम वापस हमारे साथ में गुरुकुल चलो। लेकिन क्या ये लक्ष्मण कौन है, ये वैष्णव है, इन्होंने परवर्ती काल में उनके ऊपर आशीर्वाद करने के लिए, उनके ऊपर कृपा करने के उद्देश्य से वापस गुरुकुल भी चले गए। ऐसे करके इनके जीवन में अनेक अनेक घटनाएं हैं, आलौकिक घटनाएं हैं। एक समय पर कभी ये इनको अभी यहाँ से शिक्षा तो ग्रहण करी, लेकिन इनको क्या करना था, गुरु ग्रहण करना था। गुरु बताया ना, बिना गुरु भवनिधि कर ही ना कोई। तो ये भी अभी गुरु को ग्रहण करने के उद्देश्य से क्या किया, यहाँ पर एक गुरु थे जिनका नाम यमुनाचार्य, जिनके शिष्य शैलपुत्र थे ना इनके मामा, वही यमुनाचार्य। ये यमुनाचार्य ने जब इनकी लक्ष्मण की बड़ी महिमा सुनी कि बचपन से ही बड़े आलौकिक महापुरुष हैं, तो इन्होंने क्या किया, अपने एक शिष्य को जिनका नाम था पूर्णाचार्य, पूर्णाचार्य को एक स्त्रोत की रचना करी और उसको लक्ष्मण के पास में भेज दिया कि तुम इसको लक्ष्मण को सुना देना। लक्ष्मण ने जब वो स्त्रोत सुना, भगवान की रूप माधुरी, भगवान की महिमा उस स्त्रोत के अंदर वर्णित की। जब लक्ष्मण ने ये स्त्रोत सुना तो वे बड़े आकर्षित हुए और उन्होंने क्या कहा, मैं इन्हीं को ही अपना गुरु ग्रहण करूंगा और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जब उन्होंने एड्रेस ले किया और सब यमुनाचार्य के पास में आ रहे थे, तब बीच रास्ते में उनको समाचार मिला कि यमुनाचार्य तो देह त्याग कर चुके हैं, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया, लेकिन इन्होंने तो क्या किया, उन्हीं को गुरु रूप में वरण कर लिया था। जब गए गुरु जी के अंतिम दर्शन करने के लिए, इन्होंने देखा वहां गुरुदेव का दिव्य कलेवर रखा हुआ है, दिव्य कलेवर वहां गुरुदेव का रखा हुआ है और गुरुदेव की तीन उंगलियां जो है ऐसे बंद है, तीन उंगलियां बंद है, बाकी दो उंगलियां तीन उंगलियां बंद थी। उसको देखकर वहां और भी अनेक अनेक शिष्य थे उनके, लेकिन वो इस चीज को समझ नहीं पाए, वो इस चीज को समझ नहीं पाए। यहाँ देखो कितना अच्छा सिद्धांत बताते हुए कहते हैं कि गुरुदेव की क्या इच्छा है, गुरुदेव के हृदय की क्या भाव है, वो एक सत्य शिष्य के हृदय में प्रकाशित हो, सत्य शिष्य के हृदय में ही प्रकाशित होते हैं। अभी यहाँ पर ये जो लक्ष्मण है, ये रामानुजाचार्य, ये समझ गए कि गुरुदेव की निश्चित रूप में ही कोई इच्छाएं अपूर्ण रह गई, इनकी कोई इच्छा थी जो अपूर्ण रह गई, इसी कारण इनका ऐसा है। तो इन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, तब इन्होंने साफ स्वयं उनके सामने, उनके दिव्य कलर के सामने बोलने लगे कि मैं वैष्णव दीक्षा देकर और इस मत को प्रकाश आगे मैं प्रचार करूंगा। जैसे उन्होंने एक बात को बोला, मैं आचार्य लीला करूंगा, मैं उनकी एक उंगली खोलूंगी। बाद में उन्होंने बोला कि मैं भाष्य, श्री भाष्य, पारिजात भाष्य लिखूंगा, श्री भाष्य लिखूंगा, जो प्रस्थान रही है उसके ऊपर भाष्य लिखूंगा, उनकी दूसरी उंगली पर खुल गई। और एक इच्छा उनकी जो थी क्या, कि जो पाराशर ऋषि का जो पुराण इत्यादि पर टीका है उसके ऊपर मैं टीका लिखूंगा। जब उन्होंने ये तीनों बात बोली, साथ के साथ ही वहां पर यमुनाचार्य की तीनों उंगली खुल गई, उनके हाथ पूरा खुल गया, उनकी जो तीन इच्छाएं थी
उनको ये देखो ये तीन इच्छाएं, उनसे कभी भेंट नहीं हुई, यमुनाचार्य से कभी भेंट नहीं हुई, इन्होंने उनको गुरु रूप में वरण किया और यमुनाचार्य ने भी उनको शिष्य रूप में वरण किया। मुख्य बात तो ये है हम गुरु जी के शरणागत हो गए हैं, लेकिन गुरुदेव ने हमको एक्सेप्ट किया कि नहीं, गुरुदेव ने हमको चयन किया कि नहीं, बताया ना नयमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहु न श्रुते यमेवेश प्रणुते तेन लभ्य तस्येति आत्मा विप्रणुते नुंसान। यमेवेश प्रणुते अर्थात जिसको भगवान वरण करते हैं, जैसे शंकराचार्य ने इसकी टीका में लिखा है कि जैसे स्त्री पुरुष जब विवाह होता है तो पुरुष स्त्री का वरण करता है ना, जब पुरुष स्त्री का वरण कर लेता है उसके पश्चात में स्त्री क्या करती है, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देती है, पूर्ण रूप से सामने खोल देती है। उसी प्रकार जिसको भगवान चयन कर लेते हैं, जिसको भगवान ने वरण कर लिया, उसके हृदय में वे अपने सारे तत्व सिद्धांत प्रकाशित कर लेते हैं। लक्ष्मण जी तो उन्होंने तो यमुनाचार्य को गुरु रूप में चुना ही है, उन्होंने स्वीकार किया ही है, लेकिन यमुनाचार्य ने भी यहाँ पर क्या किया, लक्ष्मण को शिष्य रूप में वरण किया, और वरण किया तभी जाकर उनके हृदय में ये उनकी जो इच्छाएं थी उनके मनोविष्ट प्रकाशित हुए। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु उनके जीवन चरित में उनके कितने सारे भक्त थे, लेकिन उन्होंने रूप गोस्वामी पाद को चयन किया, उन्होंने रूप गोस्वामी पाद को चयन किया तभी जाके तो श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कथामयम ददाति स्वपदांतिकम, कि श्रीमद् महाप्रभु के मनोभिष्ट को किसने पूर्ण रूप में पूर्ण किया, श्री रूप गोस्वामी पाद ने। क्यों? क्योंकि महाप्रभु ने उनको वरण किया, महाप्रभु ने उनको चयन किया। इसी प्रकार लक्ष्मण ने जब ये तीनों बात बोली, यमुनाचार्य की तीनों उंगली खुल गई, अभी उसके बाद में इनको कहीं से दीक्षा तो ग्रहण करनी पड़ेगी, तो उन्हीं के जो शिष्य थे पूर्णाचार्य जिन्होंने उनको स्त्रोत लिख के जिनको भेजा था, उन्हीं पूर्णाचार्य से इन्होंने दीक्षा ली। इनका बड़ा विस्तृत जीवन चरित्र है, अभी हमारे और प्रभु जी बोले के शामन को प्रभु जी और अगाध इनका जीवन चरित्र, गुरु निष्ठा, इनके जो किस प्रकार इन्होंने अपने गृहस्थ जीवन में आचरण किया है, इनका पत्नी के साथ में जो इनका क्या लीलाएं हुई, वो सारे एक एक करके हम लोग श्रवण करेंगे प्रभु जी के मुखारविंद से। वो भी सुना दो, बहुत अच्छी कथा है वो अपनी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरु पाद हमारे कुछ उनके जीवन की कुछ शिक्षा को ही बताने का चेष्टा करूंगा। तो इनके जो पत्नी थे, इनके पत्नी ने किसी समय वो तो इनके जो पत्नी वो स्मार्ट मत वाले थे, और ये रामानुजाचार्य कौन है, ये इन्होंने ही अपने रामानुजाचार्य, तो पहले उनका जो संबंध बता रहे थे गुरुदेव के साथ किस प्रकार यमे वश्य प्रणुते तेन लगे लभ्य तस्य आत्मा विगुणते धनुषा, किस प्रकार यमुनाचार्य ने उनको शिष्य के रूप में ग्रहण कर लिया था, तो उसी प्रकार ही इन्होंने अपने गुरुदेव तो अप्रकट हो गए थे, फिर इनके एक शिष्य पूर्णाचार्य फिर इनसे इन्होंने दीक्षा ग्रहण किया, और जब संन्यास के समय हुआ तो इन्होंने अपने गुरुदेव को स्मरण किया, स्मरण करते ही संन्यास ले लिया। तो ये विचार बहुत उच्च कोटि का विचार है। तो इसमें बता रहे कि जिस प्रकार हमारे प्रभुपाद ने महाराज जी के पटचित्र से उनके समाधि से संन्यास ग्रहण कर लिया था, उसी प्रकार ही उनके जीवन चरित्र में देखा जाता है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग उस भाव में उस सेवा में प्रतिष्ठित थे। फिर इसके आगे इनके जो पत्नी, अब इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, अब इन्होंने गृहस्थ आश्रम में थे, पत्नी थे, तो पत्नी को तो त्याग करना पड़ेगा, तो भगवान सबसे पहले क्या करते हैं, वो व्यवस्था कर देते हैं,
जो जिस प्रकार में भक्त भक्ति करना चाहता है उसका सारे के सारे व्यवस्था ठाकुर जी करते थे। तो देखो एक समय इनके पत्नी ने कुएं में जो कुआं होता है उनमें पानी लेने गए थे, जल संग्रह करने गए थे। तो उसी समय जल संग्रह करते ही उनके जो गुरु माता है, गुरु माता के उनके जो गुरु माता है पूर्णाचार्य जी की जो पत्नी है वो भी वहां पे जल संग्रह करने के लिए आए। तो इन्होंने क्या किया, जल संग्रह करते ही जो पानी का जो छीट था, जो पानी उठाते ही गिर जाता है, तो कुछ उनके गुरु माता के वस्त्र के ऊपर और कुछ उनके ऊपर भी गिर गए। तो कुछ भी उसका कुछ लेख नहीं करके वहां से चले गए। लेकिन यहाँ पे रामानुजाचार्य सब कुछ जानते हैं, अंतर्ध्यामी है, तो उनके लिए देखे कि ये मेरे गुरु माता अर्थात गुरुदेव के समान, जो गुरु समान माता का मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं इसको त्याग करता। तो इसी प्रकार उनकी पत्नी का और बड़े विस्तृत रूप में वहाँ पे हमारे गुरुदेव हमारा चार संप्रदाय बड़े विस्तृत रूप में इसको वर्णन किया है कि इस प्रकार उन्होंने अपनी पत्नी को त्याग किया। अब आते हैं इनका जो विशेष शिक्षा, शिक्षा के बारे में अगर श्रवण करेंगे, जिस प्रकार ध्यान से सुनना, जिस प्रकार हमारे गोस्वामी वर्ग रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जितने भी प्रभुपाद और प्रभुपाद के पार्षदगण और प्रभुपाद से पहले हमारे जितने भी परंपरा में रूपानुगत में आए हुए जितने भी गुरु परंपरा गुरुवर्ग सबने एक विशेष चीज किया। सबके चीज सब चीज तो विशेष है लेकिन उसमें भी एक विशेष चीज है जो विग्रह का उन्होंने प्रकाशित किया। जो जीव गोस्वामी ने जिस दामोदर विग्रह का प्रकाशित किया ना आज उनका शुभ वो प्रकटित दिवस, कुछ दिन पहले राधा गोविंद बसंत पंचमी में जो रूप गोस्वामी बाद में राधा गोविंद जी का प्रकट किया, जो जयपुर में है उनका बसंत पंचमी सरस्वती पूजा में उनके प्रकट तिथि था। तो जितने भी विग्रह देख रहे हैं हम तो सब कौन प्रकाशित किया ब्रज में, वो तो पहले थे ही थे, लुप्त हो चुके थे, फिर उसको सब पुनः तीर्थ को उद्धार किया। हमारे गुरु जी ने भी बहुत सारे ऐसी जगह को उद्धार किया, जैसे कथा में श्रवण में आता है ना कि हम उद्धव कियारी इत्यादि इत्यादि वृंदा देवी, तो बहुत सारे ऐसे हमारे गुरुवर्ग ने एक विशेषता दिया कि हम जैसे बद्ध जीव के लिए वो जो विग्रह साक्षात जो ठाकुर जी स्वयं विग्रह के रूप में आए हैं वो इस विग्रह का प्रकाशित किया। देखो एक दृष्टि इनके जीवन चरित्र में देखते हैं, जब ये पहले बार तिरुपति में गए तो तिरुपति में जो ठाकुर जी है चतुर वो ठाकुर जी पहले तिरुपति का ठाकुर जी का दो भुज था, बोलते हैं पहले जो उनका नाम है व्यंकटेश्वर, तो जो तिरुपति के ठाकुर जी पहले दो भुज इस प्रकार के थे। तो बहुत सारे लोग वहां पे मायावादी लोग थे और उस जमाने में शंकराचार्य का किस प्रकार का प्रचार प्रसार था कि शंकराचार्य सबको बोलते थे कि ये शिव जी का विग्रह है। तो उस समय में वहां पे कोई एक आचार्य हुए भट्टाचार्य तिरुपति में, तो वो आचार्य क्या करते थे वहां पे मायावाद आचार्य थे, शंकरवादी शंकराचार्य के ही शिष्य थे, उनके ही भाष्य को श्रवण करते थे। तो उनके भाष्य के ऊपर तिरुपति के जो विग्रह है उसके ऊपर तिरुपति के विग्रह के ऊपर एक भाष्य लिख दिया कि ये कौन है, कि ये साक्षात शिव जी है। लेकिन जब रामानुजाचार्य गए तिरुपति में और तिरुपति में जब रामानुजाचार्य देखते हैं ठाकुर जी को तो उनको साक्षात ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में दर्शन होते, तब उन्होंने उस सारे के सारे वहां का जो अपसिद्धांत को वहां पे खंडन करने के लिए, वो मायावाद को खंडन करने के लिए वहां पे उन्होंने तर्क किया और बड़े सुंदर एक काव्य फिर से उन्होंने लिखा। वो काव्य में लिखा कि तिरुपति देव किस प्रकार का नवनीत दस्कर है, किस प्रकार का माखन लेते हैं, किस प्रकार ठाकुर जी जैसे कृष्ण के ही एक स्वयंभु विग्रह है, कृष्ण के प्रतिभा विग्रह है, तिरुपति देव किस प्रकार का नारायण मूर्ति है, किस बारे में बताया, लेकिन कोई माने ही नहीं। जब नहीं माने उस समय की बात है, एक बड़े अद्भुत घटना है। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं कि देखो शंख चक्र गदा पद्म और त्रिशूल रख दो, शिव जी का और नारायण जी का अलग अलग करके जो आयु थे उसको गर्भगृह के मंदिर के अंदर रख दिया जाए और सुबह होते हुए हम लोग सब प्रार्थना करेंगे और जो जिसका आयु शिव जी थोड़ी ना सुदर्शन चक्र और गदा शंख धारण करेंगे, शिव जी क्या धारण करते हैं त्रिशूल का मंडल और डमरू धारण करते हैं और नारायण क्या धारण करते हैं, नारायण गल में सांप ने धारण नहीं करते हैं और त्रिशूल धारण नहीं करते हैं। तो प्रार्थना करेंगे कि जो जिनका आयु है अगर ये शिव जी है तो त्रिशूल धारण कर लें, अगर ये विष्णु है शंकर चक्र गदा पद्म धारण कर लें। तो इससे पता चल जाएगा कि ये शिव जी है या ये विष्णु जी है।
तब वहां पे जो तिरुपति मंदिर के अंदर शंख चक्र गदा पद्म आदि रखा गया और त्रिशूल कमंडल और डमरू व्याघ्र आसन ये सब रखा गया अलग अलग जगह और ठाकुर जी को प्रणाम करने लगे। बाहर वो मायावादी आचार्य रामानुचार्य जी ने सुबह मंगल आरती में जब मंदिर खुला गया पट खुला गया तो ठाकुर जी पहले तो दो भुज थे, उसके बाद चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी शंख चक्र धारण किए। पहले ठाकुर जी का दो भुज था, तिरुपति में बोलते हैं कि ठाकुर जी का दो भुज है और चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी शंख चक्र धारण करते। इस प्रकार का उन्होंने विग्रह का प्रकाशित किया। अगर और थोड़ा विस्तृत रूप में समय नहीं है, इसी प्रकार वाइजेक है ना विशाखापट्टनम, उससे एक स्टेशन पीछे आता है सीमांचलम कुरुक्षेत्र, उसमें भी बड़ा नृसिंह देव का वहां पे भी सब लोग वहां पे साउथ में ना जितने भी विग्रह है सबको शिव तत्व के रूप में मानते थे, लेकिन वो बड़ा नृसिंह देव को भी उन्होंने चिन्हित किया। किस प्रकार वो केले का पेड़ जल जाते बहुत बड़ा विस्तृत प्रसंग है। फिर उनको जो बराह नृसिंह को भी उन्होंने वहां पे संस्कारित किया। फिर जो अहोबिलम है गरुड़ पर्वत है, पर्वत का स्वरूप एक कौन से देखोगे ना इसे गरुड़ के जैसे, और गरुड़ के मुख के ऊपर जैसे मानो कि आसन के ऊपर हमने जब पूरी महाराज जी के मठ में थे ना ये सब तीर्थ स्थान दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मानो गरुड़ के ऊपर अहोबिलम नृसिंह देव इनका भी इन्होंने संस्कारित किया। तो इस प्रकार बहुत सारे जो मंदिर है इन्होंने संस्कारित किया। अभी कुछ देर पहले बता रहे थे ना हमारे प्रभु जी कि कौन उनका नाम कि बरदराज और ठाकुर जी का विशेषण तो बताए, वो जो कुंड बता रहे थे ना और ठाकुर जी अभी भी कुंड में है, एक सरोवर में ठाकुर जी अभी भी है। 40 साल में एक बार ठाकुर जी बाहर निकाला जाते। 2 साल पहले शायद ये तिथि हुआ था कि ठाकुर जी बाहर आए और उनको 40 दिन तक बाहर रखा जाता है और ठाकुर जी एग्जैक्ट श्रीरंगम, श्रीरंगम में जैसे ठाकुर जी ऐसे शयन करते ना शयन मुद्रा में एग्जैक्ट श्रीरंगम जैसे उनका भी स्वरूप है। तो उसी समय पे जो ठाकुर जी 40 साल तक अंदर ही पानी के अंदर ही रहते हैं और 40 साल में एक बार कुंड से उनको निकाल के फिर अभी 2 साल पहले ही हुआ था। तो हमारे प्रभुपाद के जो मनोभीष्ट प्रभुपाद की जितने प्रभुपाद के जितने भी शिष्यगण है सब एक से एक धुरंधर, उनमें से एक प्रभुपाद की शिष्य भक्ति व्यवस्था पूरी गोस्वामी महाराज, उनको बड़े अच्छे तेलुगु आता था। तेलुगु कन्नड़ा जो साउथ में जितना भी लैंग्वेज है ना वो बड़े अच्छे स्पष्ट रूप में बोल पाते थे। तो प्रभुपाद ने उनको पहले ही बोल दिया था कि आप जाओ और साउथ में प्रचार करना। तब जब इस समय इन्होंने बरदराज में जब आए तो वहां पे बरदराज के मंदिर के सामने कुंड के सामने अभी भी एक मंदिर है जिसमें शिव जी के विग्रह था और बहुत सारे लोग बोलते थे कि ये जो ठाकुर जी है जो कौन से ठाकुर जी जो बरदराज पानी के अंदर है वो साक्षात शिव जी है, क्योंकि शंकरवाद में वहां पे बहुत प्रचार था। तो प्रभुपाद के पार्षद से लोग पूरी गोस्वामी महाराज जी ने वहां पे प्रथम बार चतुर्भुज नारायण का विग्रह को प्रतिष्ठा किया, आज भी वहां पे है और उनके मंदिर के पूरा सामने आप साउथ में एक एक जगह पे देखोगे सीमांचलम मंदिर के 4 नंबर गेट पे सामने ही महाप्रभु के चरण पादुका स्थापन किया गया, तिरुपति मंदिर के सामने महाप्रभु का चरण पादुका स्थापन किया गया है, वहां पे भी महाप्रभु का चरण पादुका स्थापन किया और महाप्रभु वहां पे इतना बड़े बड़े मार्बल में पूरा तेलुगु में हिंदी में सब लेटर में वहां पे महाप्रभु का विस्तृत रूप में किस प्रकार का जो उनका प्रणाम मंत्र में आते हैं ना गौरवाणी प्रचार है दृढ़ संकल्प मूर्त है इस प्रकार अपसिद्धांत को खंडन किया प्रभुपाद के एक पार्षद भक्ति पूरी गोस्वामी महाराज ने वहां पे चतुर्भुज रूप नारायण का वहां पे शिला को स्थापन किया और संस्कारित किया। इससे आगे चलते हैं कि उन्होंने किस प्रकार का गुरु वैष्णव की सेवा किया, गुरु वैष्णव की सेवा किस प्रकार का किया जाता है ये बड़े प्रचलित प्रसंग है, किस प्रकार का गुरु वैष्णव का सेवा होता है उसके बारे में इन्होंने विशेष शिक्षा दिया। अब किस समय इन्होंने अष्ट सहस्र एक गांव है जो आजकल बताते हैं उसको बोलते हैं सेलूर ऐसा कुछ नाम है आजकल उस गांव का नाम। तो अष्ट सहस्र गांव में जब ये गए तो उनका 2 शिष्य थे, एक धनी शिष्य और एक गरीब शिष्य थे। तो जो धनी शिष्य का नाम है जगेन और जो गरीब शिष्य का नाम है वरदाचार्य। तो इस प्रकार का उनका 2 शिष्य थे, एक तो धनी एक का गरीब। तो इन्होंने शिष्य का जो भाव को शिष्य किस प्रकार का होना चाहिए, शिष्य किस प्रकार का गुरुदेव का सेवा करते हैं उसको सिखाने के लिए
स्वयं ब्राह्मणाचार्य इन दोनों शिष्य के घर में आते हैं। तो जब धनी शिष्य के घर में जो आते हैं, जो यज्ञ थे उनके घर में जब जाते हैं, तो वो उसको पता चल जाता है कि अरे गुरुदेव आए। अब गुरुदेव आए हैं जैसे पता चला, और द्वार से गुरुदेव को स्वागत क्या करेगा, गुरुदेव कैसे कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे, क्या ठहरेंगे, क्या रहेंगे, उसका सब व्यवस्था करने में अंदर चले गए और उसका सब व्यवस्था करना शुरू कर। अब गुरुदेव बाहर खड़े हैं, कौन, रामानुजाचार्य। अब बाहर खड़े हैं और वो तो लगी पड़ी है, कौन, किस चीज में, ये किस प्रकार के मैं गुरुदेव की सेवा करूं, वो चीज में लगी पड़ी है। गुरुदेव आ गए, ये सुनते ही वो लगी पड़ी है। अब गुरु जी बाहर खड़े फिर चले गए। फिर जो गरीब शिष्य के घर में गए, जब गरीब शिष्य के घर में जाते हैं, तब वहां पे एक वरदाचार्य जो शिष्य है उनके घर में जब जाते हैं, तब वहां पे वो देखते बड़े गरीब था, तो बड़ा गरीब था, गरीब शिष्य था, तो इतना गरीब के बारे में उसके साथ उसके पास कुछ भी नहीं था, पति पत्नी के पास बड़े गरीब था, धनी के बड़े अभाव था, कुछ भी नहीं था। वो तुरंत ही गुरुदेव को देखते ही प्रणाम किया। प्रणाम करके उनको आसन तो नहीं था उस समय, सिंहासन का कुछ व्यवस्था नहीं, ऊपर नीचे जमीन पे एक आसन भी नहीं था, नीचे जमीन पे बिठाने के लिए उनको प्रार्थना किया। फिर बोलते हैं, अब गुरुदेव हमारे घर आए हैं, हम गुरुदेव को किस प्रकार की सेवा करेंगे, ये सोचकर ही उसके पति चला गया भिक्षा करने के लिए। लेकिन उसके जो पत्नी था ना, वो सेवा इतना सेवा परायण था, उसके पत्नी सोचा कि देखो अभी तो हमारे पास कुछ है नहीं, अब गुरुदेव कृपा करके हमारे घर में आए हैं। जो शास्त्र में बताते ना, महत विचलनम नृणम घृणम दीन चेतनम, महत लोगों के लिए कृपा करने के लिए, गृहस्थ व्यक्ति के लिए ऊपर कृपा करने के लिए ही संत उनके घर में पधारते। तब ये सोच के ही क्या हुआ, उनके पत्नी ने सोचा कि देखो हमारे घर के सामने एक सेठ है, वो मेरे ऊपर कुदृष्टि करता है। तो वो झट करके उस सेठ के पास जाता है और बोला कि देखो हमारे गुरुदेव आए हैं और हमें कुछ पैसा का आवश्यकता है, उपयोगिता है, हमें कुछ पैसा दे दो और इतना इतना हमको सामग्री दे दो ताकि हम गुरुदेव की अच्छे से सेवा कर पाए और बाकी मैं तुम्हारे मनोविष्ट को पूर्ण कर दूं। तब इतने सोच के, वो तो कामी पुरुष था, इतने सोचते ही वो बहुत दिन से उसका कुदृष्टि था, तो इतना सोचते ही वो जो सेठ ने सारे के सारे चीज दे दिया। अब जब यहाँ पे आते हैं, उसके पत्नी लाके गुरुदेव की सेवा करते हैं, और जब देवाचार्य वरदाचार्य उनके जो धन गरीब शिष्य जब भिक्षा करते हैं, लेकिन कुछ भिक्षा में मिलता नहीं, घर आके देखते हैं कि गुरुदेव के बड़े सुंदर रूप में सेवा करते हैं। तब उनको पत्नी से पूछते हैं, इतना सारा पैसा कहाँ से लाए, तो वो बोलते हैं कि देखो हमारे ये जीवन तो किसी भी चीज में यूज काम नहीं हो सकता, आज है कल इसको जला दिया जाएगा, ताकि इसको हम गुरुदेव की सेवा में कभी ना कभी तो लगाए, अभी कुछ नहीं था। तो सारे जो प्रताप से बता दिया, जागतिक जो पति होता ना वो बड़े गुस्से हो जाते, लेकिन इसका पति तो क्या है, वरदाचार्य, ये बड़े गुरुनिष्ठ है, बड़े गुरु भक्ति की सेवा। वो उनके पत्नी के चरण में प्रणाम करके बोल रहे हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, मेरे शरीर से कुछ कर ही नहीं पाया, कम से कम तुम अपने शरीर से गुरुदेव को सेवा तो कर पाए। फिर और उन्होंने गुरुदेव का सेवा किया। और रामानुजाचार्य सब चीज जानते हैं। जब रात में जब उसके पत्नी ने फिर उनके जो प्रतिज्ञा किया था उसको पूरा करने के लिए जा रहे, तब रामानुजाचार्य से पूछे, अब रामानुजाचार्य पूछते गुरुदेव से जब पूछा तो सब बता दिया। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं, देखो तुम मेरा ये प्रसाद ले लो, और ये मेरा प्रसाद बस तुम कुछ मत करना, ये प्रसाद बस उसको खिला देना। ठीक है, गुरुदेव का आदेश लिया। तो फिर वो उसके पास गए रात में। फिर रात में जब जाता है वो सेठ के पास, तो कामी तो था ही, काम तोर में पूरा आसक्त था, तो वो बोलते हैं कि प्रसाद पा लो। तो वो प्रसाद क्या, कुछ भी पा लेगा, तो प्रसाद ले लिया। जब प्रसाद खा लिया ना, इतने में भक्त पद धुली और भक्त पद जल, भक्त भूत साधने पर। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते ना, किस प्रकार भक्त के जो रामानुजाचार्य साधारण नहीं है, ये कौन है, स्वयं संकर्षण, स्वयं राम अनुज, स्वयं लक्ष्मण जी है। तो इनके जो उच्चिष्ट है, इनके जो अधरामृत पाके उसके हृदय में पूरा अष्ट सात्विक विकार निकला, स्वेद कंप अश्रु, और वो तुरंत उसको प्रणाम करने लगे, और वो भी बाद में रामानुजाचार्य का शिष्य बना। तो इस प्रकार का यहाँ पे बताने की किस प्रकार का इन्होंने शिक्षा दिया कि गुरुदेव का सेवा हमको किस प्रकार का करना चाहिए। और इनका और एक शिष्य था श्रीरंगम में, एक धनुर्धर मल्ल नाम का एक शिष्य था। तो ये जो धनुर्धर मल्ल नाम का शिष्य था ना, ये एक वैश्य का
की आसक्ति था। ये वेश्या जहां जहां जाता था ये वेश्या को बिना देखते नहीं देखे कहीं रोक मतलब रोकता नहीं था ठहर नहीं पाता था। तो वेश्या जहां जहां जाता था ये धनुर्मल भी वही वही चला जाता। तो किसी समय से रंगनाथ जी के पट खुलने वाले थे मंदिर में और वो वेश्या मंदिर में गए। वेश्या तो भक्तिमती थी थोड़ा थोड़ा भजन कर लेते थे। तो मंदिर में जब गए अब ये भी वेश्या के पीछे पीछे भागा। अब मंदिर में जब वेश्या ठाकुर जी की तरफ मुंह करके खड़े हो गए। अब ये क्या किया वो जो धनुर्मल वो वेश्या की तरफ मुंह करके खड़े हो गए। अब श्री रंगनाथ में साउथ में मंदिर हर मंदिर का एक नियम है सामने कोई खड़ा हो जाएगा ना। हम वृंदावन में रंगनाथ जी भी है और साउथ में बहुत सारे मंदिर है सामने कोई खड़ा हो जाएगा ना मंदिर के पट नहीं खोले। इसलिए श्री साउथ में जितने भी मंदिर है हमने बहुत सारे दर्शन किया सामने से बैरिकेड लगा गया सामने कोई दर्शन नहीं करेगा तब साइड साइड खड़े होंगे तब जाके दर्शन करवाया जाता। तो ये तो पीछ कर पीठ क्या होगा पीठ को दर्शन कर रहा है ठाकुर जी को पीछे खड़े होकर ये वेश्या को देख रहा है और वेश्या का मंदिर मुख की तरफ है तो मंदिर खुल नहीं रहा है। जितने में जितने भी पंडित लोग थे वो मंदिर खुलने के लिए खुल नहीं रहे क्योंकि कोई एक पीछे ठाकुर जी की तरफ पीछे मुड़ करके खड़ा हुआ। तो इतने में जो रामानुजाचार्य वहीं पे थे रामानुजाचार्य को खबर चला कि एक ऐसा करके खड़ा है। तब उस समय रामानुजाचार्य स्वयं जाते हैं धनुर्मल्ल के पास धनुर्धर मल्ल के पास बोलते हैं देखो तुम ये वेश्या के प्रति जितने आसक्ति हो ना इससे कई गुणा सुंदर हमारे ठाकुर जी हैं। उसको क्या पता होगा धनुर्मल्ल को क्या पता है वो बोलता है तुम्हारे पत्थर ये कितना सुंदर रूपवती है। तो धनुर्मल्ल को रामानुजाचार्य बोलते हैं तुम एक बार बस दर्शन करो। तो वहां पे कंडीशन अप्लाई होता है अगर एक बार अगर तुम दर्शन करोगे इससे अगर ठाकुर जी तुम वेश्या से अगर ठाकुर जी ज्यादा सुंदर निकले ना धनुर्मल्ल बोलता है कि मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। और ठाकुर जी से अगर वेश्या अगर ज्यादा सुंदर निकल गए तो तुम मेरा दास बन जाना। तो रामानुजाचार्य बोले ठीक है चलो क्योंकि रामानुजाचार्य को पता है वेश्या कौन है जागतिक है और जागतिक एक हार मानते कि शरीर ठाकुर जी से थोड़ी ना सुंदर होगा ठाकुर जी कितने सुंदर है। तो जिस प्रकार उन्होंने फिर पीछ जैसे ठाकुर जी की तरफ मुड़ के देखे और ठाकुर जी के पट खोला। अब इसके हृदय में तो कुछ है ही नहीं पत्थर के मान रहा है। तब रामानुजाचार्य के भाव रामानुजाचार्य कौन है स्वयं भगवान के भक्त हैं। तो भक्त के लाश कौन बचाते हैं स्वयं भगवान बचाते हैं। भगवान सोचे अरे ये इस वेश्या का इस मूर्ख का दास बन जाएंगे मेरे भक्त रामानुजाचार्य ऐसा हो नहीं सकता। तो ठाकुर जी ने अपने ऐसे अद्भुत स्वरूप को वहां पे प्रकाशित किया जिसको देख के वो धनुर्मल्ल वहां पे अष्टसात्विक विकार वो फिर कभी वेश्या को देखा ही नहीं। फिर उसके बाद उनको रामानुजाचार्य ने उनको हर समय रामानुजाचार्य के शिष्य रामानुजाचार्य से वो दीक्षा ग्रहण किया और ये बड़े प्रिय शिष्य निकला रामानुजाचार्य के। इतना प्रिय शिष्य निकला कि इन दोनों ने बड़े सेवा किया करते थे रामानुजाचार्य के। एक समय रामानुजाचार्य जब कावेरी में जाते ना स्नान करने के लिए तो हरे कृष्णा तो बोल सकते हो मुझे वहां बोलो से समय भी हो गया तो 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 पढ़ा किसे आप बोलो इसका बोल सकते हो इसको बाद में जो कैसे कावेरी में स्नान करने जाते हैं और सुंदर गौर कर क्या हो बोल दिया और हमारे जनाब लोग कुछ बोले क्या कुछ याद है संतों का जो जीवन है ना उसमें बहुत सारी शिक्षा हम लोग के लिए रखे गए। इसलिए महाप्रभु जब कथा सुनने के लिए महाप्रभु जाते थे गदाधर पंडित के पास कथा सुनने के लिए जाते थे तो उसी समय में गदाधर पंडित प्रश्न करते थे बोले प्रभु आप कौन सा प्रसंग सुनना चाहते हैं। भगवान खुद कहते थे हमें भक्तों का चरित्र क्योंकि जो भक्तों का चरित्र को हम सुनते हैं वो कैसे ठाकुर का भक्ति करते थे कैसे भजन करते थे और जैसे भजन करने के लिए जाओ तो बड़े बाधा विपत्ति हैं अब ना उल्टा पुलटा काम करने के लिए जाओ कोई कुछ बाधा नहीं। जो शराब पीता है उसको दुनिया कुछ बोलता है जो सिगरेट फूकता है उसको दुनिया कुछ बोलता है कुछ नहीं बोलता है। लेकिन जो इतना भगवान की भक्ति करने के लिए जाओ फैक्ट्री माला तिलक लगा तो सारा दुनिया पीछे हो जाए। इसलिए जब भक्तों का चरित्र सुनते हैं ना
हमारे हृदय में क्या कथा नहीं। अरे हरिदास ठाकुर को 22 बजार में पिटाई हो गई, पूरा सारे छाल उतर गया, चमड़ा उतर गया, तब भगवान भजन करने छोड़ा नहीं। इसलिए हम भी ऐसे भजन कर, मीरा के ऊपर में कितने बार आरोप कर दिया, लेकिन मीरा ने भजन छोड़ दी क्या? भजन नहीं छोड़। इसलिए जब भक्तों का चरित्र सुनते हैं हमारे हृदय में उत्साह आता है, नहीं हम भी ऐसे भक्ति करेंगे, हम भी ऐसे भजन करेंगे। इसलिए महाप्रभु को बोलते, महाप्रभु बोलते थे हमें बार बार भक्तों का चरित्र हमें सुनाया करिए। जो रामानुज आचार्य जी का जीवन है बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा, श्री रामानुज आचार्य जी का जीवन बड़ी अच्छी अच्छी शिक्षा। इसलिए मैं एक दो मिनट बस रामानुज आचार्य के जीवन चरित्र के बारे में पुष्पांजलि देख करके मेरा ही अपना आत्म कल्याण करूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि हमारे जीरा प्रभु कैसे रामानुज आचार्य की स्थिति में बोल नहीं रहे, तो उनको तो कम से कम एक घंटा चाहिए जो बोलने के लिए चाहे तो उन्होंने बोल दिया। इन्होंने वो बोला ही नहीं है, इन्होंने लक्ष्मण जी को तो बोला नहीं, तो मैं उनसे ही बोलता हूं। हां बोलो आकर हमारा अभी प्रभु जी आ, नहीं कोई बात नहीं, आप बात नहीं प्रभु जी पहले बोलो फिर बोलो। हां ठीक है सब थोड़ा थोड़ा बोलो ये बोलो। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग सब सांप्रदायिक है। आजकल ये जो सांप्रदायिक वर्ड है ना, आप लोग कहीं भी जाओगे तो आप लोगों को टोकेंगे, अरे ये तो सांप्रदायिक आ गया, ये तो किसी को भी एक किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष या समाज विशेष विचार विशेष को मानने वाले हैं। पर हमारी एक ही खासियत है, क्योंकि जो संप्रदाय है, संप्रदाय का मतलब ही आजकल लोग क्या करते हैं, एक संकीर्ण मत से सोचते हैं। संप्रदाय का जो वर्ड है वो वर्ड बड़ा विस्तृत है, इसीलिए संप्रदाय मतलब सम्यक प्रदाय थे, संप्रदाय मतलब जो सब कुछ को प्रदान करते हैं, सब कुछ के अंदर भगवान भी आते हैं। तो भगवान को जिसने दे दिया मतलब सब कुछ दे दिया। रामानुज आचार्य मध्वाचार्य चार आचार्यों ने हमें सब कुछ दिया, क्योंकि भगवान कभी भी जीव को अपने को कभी भी मतलब ऐसे नहीं हस्तगत करा दिया। भक्तों के माध्यम से भक्त बनता है और भक्तों के अधीन भगवान होते हैं, इसीलिए ये भक्त बनाने का संप्रदाय का एक बड़ा विशेष गुण है। कोई कह सकता है कि नारद जी तो ऐसा नहीं थे, मीरा तो ऐसी नहीं थी, कोई संप्रदाय में आए नहीं, कहते नहीं नहीं उन लोगों के लिए नहीं, ये जो साधारण जीव है, जो बद्ध नित्य बद्ध जीव है उन लोगों के लिए। इसीलिए रामानुज आचार्य ने सबसे पहले ही उन्होंने संप्रदाय को क्या किया, इस कलयुग में स्थापन किया। ये लाइट देख रहे हो, ये लाइट है, ये डायरेक्ट लाइट है, डायरेक्ट करंट है ये, इसलिए कितना बढ़िया चल रहा है। अभी अगर लाइट कट जाए तो ये बंद हो जाती है ना, क्यों? आप कहोगे इन्वर्टर की, पर इन्वर्टर में क्या है ना, बहुत सीमित मात्रा में बैटरी स्टोरेज होती है, बहुत कम मात्रा में शक्ति होती है। अगर कट गया तो लाइट तो जलेगी पर एक समय तक चलेगी, कब तक चलेगी? जब तक उस इन्वर्टर के अंदर, पर जो ट्रांसफार्मर से, जो डैम के पास से जो बहुत बड़ा स्टोरेज है वहां से डायरेक्ट क्या है, कनेक्टेड है, तभी इसमें बहुत ज्यादा शक्ति है। ये आपको घंटा घंटा भी अगर लाइट रही तो घंटा घंटा आपको बिजली प्रदान करने में सक्षम है। पर जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर में कुछ क्षमता तो है, लाइट जला तो देगी पर कुछ समय तक है। इसीलिए जो गुरु परंपरा, जो एक बहुत बड़ी जो शक्ति का स्रोत है भगवान, जो सारे विचारों के मूल है, उस उद्गम स्थल से ही जो गुरु परंपरा आया है और इसी परंपरा यही लाइन है, वो ट्रांसफार्मर है कि कभी नष्ट नहीं होने वाला, या वहां पे कभी शक्ति खत्म नहीं होती। इसलिए वहां पे हमें इन संप्रदाय के माध्यम से रामानुज आचार्य ने जोड़ा है। और आज के अंदर जो लोग हैं कुछ समय तक तो जीवों के अंदर देखो, बहुत सात्विकता भी, बहुत गुरु ऐसे हुए हैं सात्विकता दिया है, बहुत लोगों को जोड़ भी दिया है पर पकड़ के रख नहीं पाया, या किसी एक जीव का कल्याण भी नहीं हुआ। किसने देखा कि एक जीव का कल्याण हुआ? हमारे महाराज जी कहते हैं बहुत भिजिट पीस हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े पंडाल लगा देते हैं और बहुत कथा कीर्तन हो जाता है, पर कितने लोग उसके बाद कंठी तिलक माला पहन लेते हैं, और अगर पहन लेते भी वो कुछ दिन तक, क्यों? क्योंकि उनकी कोई गुरु परंपरा नहीं है। परंपरा इसीलिए गुरु केवल नहीं कहा गया, गुरु परंपरा कहा गया है, और गुरु भी वही होता है जो परंपरा से युक्त होता है, उस लाइन में आता हो। इसलिए रामानुज आचार्य के जीवन में बहुत संघर्षपूर्ण रहा, इन्होंने संप्रदाय को और इस विचार को धारण करने के लिए बहुत लोग शत्रु भी हुए, और शत्रु हुए एक समय तो, अगर आप रामानुज आचार्य के मतलब अखंडता को देखोगे, उनके एक एक शिष्य के अंदर ऐसी शक्ति थी कि एक एक शिष्य के अंदर बहुत अलौकिकता, उनके शिष्य और आगे परंपरा में रामानुज आचार्य ये सब जितने भी आगे चल करके होते हैं, इन्होंने भी बहुत बहुत कुछ, इन्होंने हमारे जो
क्या नाम है, पूरे सचर के बारे में भी सुने थे? पूरे सचर के बारे में नहीं सुना ना? इनके एक शिष्य हुए पूरे, इनके अंदर इतनी शक्ति थी कि रामानुज आचार्य की शक्ति को उन्होंने धारण किया था। एक समय जब शास्त्र लेकर के एक जगह से दूसरी जगह आ रहे थे, चोरों ने, चोर मतलब ऐसे पंडित थे जो अपना प्रतिपत्तियों को दिखाने के लिए, जैसे हमारे श्रीनिवास सामानंद लेकर के वृंदावन से गोस्वामी ग्रंथ प्रचार के लिए आ रहे थे, उस समय जो बंगाल का राजा था उसने चोरी करवा दिया था, ठीक है, ऐसे ही, क्योंकि उस समय शास्त्र वही लिखा था, उस समय तो वो सॉफ्ट कॉपी नहीं था कि एकदम से इसके पास चला गया उसके पास चला गया, भाई यहाँ से खो गया तो वहां पे मिल जाए। तो इन्हीं के साथ ही उन सब प्रस्थान त्रयी आदि ग्रंथों को लेकर के जैसे रामानुज आचार्य के साथ इनके शिष्य जा रहे थे, ऐसे ऐसे लोग थे, स्मार्टी लोग थे, अपना आधिपत्य को विस्तार करने के लिए उन्होंने रामानुज आचार्य की जो ग्रंथों को चोरी कर दिया। परंतु रामानुज आचार्य की शक्ति उसकी उनकी शिष्य की क्रिया से पता लगता है कि कितना ये विशिष्ट व्यक्ति थे, कि जो उस समय वो जा रहे थे उस समय ना उनके शिष्य सारे ग्रंथों को पढ़ रहे थे, और पढ़ते पढ़ते ऐसा पढ़ लिया कि जैसे एक रात रात में ही इन्होंने सारे ग्रंथों को पढ़ लिया, और अगले दिन जैसे दुखी हो गए रामानुज आचार्य, बड़े मेहनत करके सारा ग्रंथ रखा था, उसको पुरुषाचार्य ने ऐसे कैसे उसको लिख करके दिया। और जब रामानुज आचार्य शास्त्रार्थ करते थे, हजारों मुंह हो जाता था उनका उस समय, और लोग देखते थे, लोग देखते थे कैसे लोगों के एक एक व्यक्ति को एक एक जवाब देते थे, शास्त्रार्थ करते थे। ऐसे में जो बौद्ध लोग थे, बौद्ध जो निराकारवादी है, तो एक राजा था, उनके पास में बड़े बड़े पंडित लोग थे, जब रामानुज आचार्य जी हमारी भक्ति धर्म को प्रचार कर रहे थे, वैष्णव धर्म को ये प्रचार कर रहे थे रामानुज आचार्य जी, सारा दुनिया में टहल का, क्योंकि लक्ष्मण साख्या थे, सारा दुनिया में वैष्णव धर्म को स्थापन कर रहे थे, घर घर में ठाकुर को पूजा को स्थापन कर रहे थे, शालग्राम को सबको कंठी माला तिलक वैष्णव धर्म में सबको पहना रहे थे। एक बौद्ध राजा था, वो तो शून्यवाद, जो बौद्ध राजा है कहते हम सब कैसे जीरो से आए, मरने का बाद हैं फिर वो शून्य से लीन हो जाएगी, इसलिए उनका धर्म था। उनने जब उनका मतवाद खंडन कर रहे थे, बड़े बड़े पंडितों को सामने शास्त्रार्थ हुए। अभी जो जितना प्रश्न करता है रामानुज आचार्य सबकी उत्तर दे देते, जब उत्तर दे देते हैं, अभी राजा के पास जितने पंडित परास्त जो परास्त हो गए, बोले ऐसे नहीं काम चलेगा, बोले कैसे, बोले हम जितने पंडित है, हजार हजार जितने पंडित, हम एक साथ में क्वेश्चन करेंगे, आपको एक साथ में आंसर देना पड़ेगा। तो रामानुज आचार्य बोले ठीक है, लेकिन एक काम कर, बोले एक स्क्रीन एक पर्दा खींच लो, ये पर्दा को अंदर में रह करके मैं उत्तर दूंगा। एक साथ में हजार प्रश्न किया, जो हजार प्रश्न किया सब लोग देख रहे थे, वो पर्दा को अंदर से हजार क्वेश्चन का आंसर आ रहा था। बोले ये क्या, एक व्यक्ति तो एक आंसर दे सकता है ना, एक साथ में हजार क्वेश्चन का आंसर थोड़ी दे सकता है। बोले ये क्या, एक साथ में हजार क्वेश्चन का आंसर आ रहे हैं। इतने बोले तो बड़ा आश्चर्य का चीज, एक उनका जो पंडित ने देखा कि अंदर में गोरा है क्या, एक साथ में इतने आंसर कैसे आ रहे। उसने जो स्क्रीन था ना, थोड़ी सी उन्होंने उसको उठाया, उठा करके देखा, जो रामानुज आचार्य कौन है, रामानुज लक्ष्मण, इनकी जो शेष है ना भगवान जी की है, जो शेष रूप में जो सेवा करते अनंत, उनका सर, उनका नाम अनंत, इनका अनंत मुंह, देखो अनंत मुंह, और मुंह से जैसे आग निकल रहा है, अनंत मुंह से वो उसका आंसर दे रहे थे। और जो पंडित देख रहा था ना, वहीं पर बेहोश हो गया, वहीं पर उसने बेहोश हो गया। इसलिए और उनका जो बता रहे थे, जो सुरेश का बात बता रहे थे, एक ग्रंथ था जिसमें मायावाद खंडन था, जिसमें मायावाद, मायावाद समझती हो, जो भगवान को निराकार निर्विशेष ज्योति, उनका रूप नहीं, गुण नहीं, लीला नहीं है, एक मायावाद, वो लोग जगत में उनका भी बड़े प्रचार था, रामानुज आचार्य तो साकार ठाकुर को सेवा को स्थापन करने वाले, एक ग्रंथ ने है वो जो मायावाद का जो खंडन, जो शंकर का जो फिलोसफी, शंकराचार्य का जो भगवान, उसका जो खंडन करते हैं, वो एक ग्रंथ में वो सारे खंडन मंडल लिखा हुआ था। इतने में ठाकुर जी क्या किया, वो ग्रंथों को उन लोगों ने, जो मायावाद लोग, उसको छुपा करके रखे थे, क्योंकि अगर किसी वैष्णव को हाथ में ये ग्रंथ पड़ जाएगा, वो क्या करेगा, हमारा शंकराचार्य का जो फिलोसफी, जो ब्रह्मवाद, उसको सब खंडन कर देगा। लेकिन किस तरह से ये इनको हाथ में, रामानुज आचार्य के हाथ में आ गया,
आ गया तो उन्होंने ग्रंथों को लेकर के ना उनका जो शिष्य पुरुष था एक शिष्य उसको लेकर के जितना दूर हो सके उन्होंने वहां से दूर भागे। जब दूर भागे इतने में देखे चलते चलते दिन भर चलते थे लेकिन जब रात में सोते थे जो पुरुष था बड़े बुद्धिमान था और रात भर पढ़ता था ग्रंथों को और उतना तीक्ष्ण बुद्धि था जो एक बार वो पढ़ लेता था ना उसको याद हो जाता। एक बार जो पढ़ लेता था अभी उन लोगों ने वो जो बॉक्स को खोल कर देखा वो ग्रंथ है नहीं भैया ग्रंथ कहाँ गया। अगर किसी वैष्णव का हाथ में पड़ जाएगा तो हमारे फिलोसफी को काट डालेगा है इसलिए ग्रंथ को ढूंढो। लगता है ये रामानुज आचार्य जी इतने नहीं लगे ढूंढते 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 बड़े दूर में जब मिले इनसे जोर जबरदस्त छीन लिया। जब छीन लिया रामानुज आचार्य बड़े दुखी हो गए है ये ग्रंथ छीन गया। इतने में पुलिस ने बताया बोले गुरुदेव कोई चिंता मत करो आप जब सो जाते थे ना मैं रात में नहीं सोता था रात भर ये ग्रंथ को पढ़ता था पढ़ते पढ़ते मेरा पूरा ग्रंथ याद हो गया मैं दो बार लिख सकता हूँ। उन्होंने ग्रंथ को उन्होंने क्या किया उन्होंने दो बार ये ग्रंथ को उन्होंने लिख डाले मतलब पुरेश अरे एक पुरेश एक समय के तो वैष्णव थे उसी समय जो वैष्णव धर्म का प्रचार करते थे एक कृमि कंठ राजा था जो शंकर जी को मानता था कदा जगत में सबसे बड़े कौन है भोले बाबा सबसे बड़े कौन है शंकर जी है शंकर जी। इतने में रामानुज आचार्य तो सारे मतवाद को खंडन करते हुए वो क्या करते थे वैष्णव वैष्णव इसलिए वैष्णव धर्म को स्थापना करते थे। अभी क्या हुआ वो राजा को बड़ा क्रोध आया अब विशेष करके जो शंकर जी को भक्ति करते ना शंकर जी के अंदर में क्या वो शंकर जी कौन है कहते ये तमगुण का अधिष्ठात्री देवता भोले बाबा है और अक्सर करके उनको जो भक्ति करते हैं ना उनके अंदर में वही तामसी गुण आते हैं। रावण शंकर जी को पूजा करता था सीता को डाल गया है भस्मासुर है उसने भस्मासुर का नाम सुने होंगे और सही वही भस्मासुर इसलिए जितना सब राक्षस देखोगे सब शंकर जी की भक्ति करने वाले क्योंकि जो शंकर जी उत्तम गुण की अधिष्ठात्री देवता आप जिसको भजन करोगे ना उसका तो गुण कुछ आएगा ना उसका तो कुछ जिसको भजन करोगे उसका तो गुण आएगा ये सब के सब शंकर जी की भक्ति करने वाले इसलिए उनका तो बड़े क्रोध। अभी इन्होंने देखा रामानुज आचार्य सारे वैष्णव फिलोसफी को स्थापन कर रहे और सारे अपने संप्रदाय जो शैव भक्ति को खंडन कर रहे तो बड़ा क्रोध हो गया। बोले आज आपके साथ में हमारे शास्त्र तो होगा शंकर जी बड़ा ना विष्णु बड़ा। अभी उनका जो पूरे से शिष्य था बोले गुरु जी आप मत जाया करो राजा बड़े दुष्ट है हो सकता है आपको ऊपर में आक्रमण कर सकता है कोई दंड दे सकता है आप मत जाओ एक काम करो आपका ड्रेस मुझे ले लो और मेरे ड्रेस का आप ले लो मैं आपका नाम लेकर वहां पर जाऊंगा। और वहां पर कितने सही लोग थे एक तरफ में और एक तरफ में कुरेश बड़े शास्त्रार्थ हुआ और इन्होंने सभी का मतवाद को उन्होंने खंडन करके भगवान विष्णु का जो भक्ति विष्णु भक्ति को उन्होंने स्थापन किया। जब विष्णु भक्ति को स्थापन किया इतने में राजा को तो बड़ा क्रोध आ गया कहते मेरे पास में जितने सही वही तो कुछ जीत नहीं पा रही सबका सही फिलोसफी को काट करके विष्णु भक्ति को स्थापन करता है। लास्ट में राजा ने पूछा बोले ये बताओ लास्ट में शंकर जी बड़े ना विष्णु बड़े बोलो। इन्होंने बोले चार शंकर में एक कौआ है चार शंकर मिलकर के कौआ ये सूत्र है लेकिन वो राजा को तो कुछ पता नहीं उसका मतलब अर्थ था बोले क्या चार शंकर मिलकर के कौआ को साथ में बराबर है हमारे शंकर जी की निंदा करते हो बोले इसका आंख निकाल दो इसका आंख निकाल दो जिंदा जिंदा उनकी दोनों आंख को निकाल दे उनका जो राजा के जो लोग थे ना जिंदा जिंदा आंख निकाल दे। अभी अंधे हो गए पुरुष अंधे होकर के चारों तरफ में घूम रहे अंधे हो गए करते करते उनको पता चला गुरु जी कुछ दूर में गुरु जी आए हैं। अभी गुरु जी को दर्शन करने के लिए उत्कंठित होकर के उन्हें गुरु जी को दर्शन करने के लिए गए रामानुज आचार्य जब दर्शन करने के लिए गए तब रामानुज आचार्य देखा पुरुष का दोनों आंख है नहीं निकाल दिया गया लेकिन वो रामानुज कौन है स्वयं लक्ष्मण है लक्ष्मण है ना सख्यत बलदेव की बलदेव प्रभु लक्ष्मण है उन्होंने उनका आंखों को ऊपर में ऐसे हाथ घुमा दिया ना फिर उनका दिव्य आंख अपने आप आ गया दोनों आंख अपने आप आ गया मतलब ये इतने प्रभावशाली श्री रामानुज आचार्य इतने प्रभावशाली थे साधारण व्यक्ति नहीं थे
इसलिए उन्होंने ये श्री संप्रदाय का ये प्रवर्तक। और वो बच्चा एक कथा सुना रहा था ना, जब श्री इनका जो धनुर्धर था बड़ा पहलवान था, नामी पहलवान, उसका नाम सुनकर के ना सारा दुनिया कांप जाते थे, इतने दुष्ट बदमाश था। बता ना जब चलता था कैसे चलता था जानते तो उनका तो स्त्री थोड़ी सी सुंदर थी, वो जब चलता था स्त्री को ऊपर में अपना छतरी छतरी पकड़ लेता था, जैसे स्त्री ऐसे चलती है ना वो इधर पीछे कर देगा और स्त्री के मुख को देखते देखते चलेगा, समझ रहे हो, स्त्री स्त्री को सर के ऊपर छतरी रख देगा, रख करके और पीछे 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 चलता और देखते कैसे अपना स्त्री को मुंह को देखते 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 जाएगा, मतलब इतने स्त्री का प्रति आसक्ति, ये इतने आसक्ति था हैं। जब श्री रंगनाथ या रथ यात्रा निकली, सारा दुनिया रथ यात्रा दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन इसकी पत्नी तो भक्त, लेकिन ये तो दुष्ट, ये तो भक्ति भक्ति करता नहीं, लेकिन स्त्री को बड़ी सुंदर थी, अब स्त्री का ही दर्शन करने के लिए स्त्री रंगनाथ जी को दर्शन कर रहे, लेकिन ये ठाकुर को दर्शन नहीं कर रहा था, वो अपना बीवी को मुंह कैसे देख रहा था। इतने में रामानुज आचार्य जी ने कहा, भैया एक बार ठाकुर को दर्शन करो, बोले ये पत्थर में क्या रखा हुआ है, जगत में जो सबसे सुंदर वही चीज तो लोग देखता है ना, ये पत्थर में क्या रखा हुआ। तो वो कहते देखो मेरे बीवी इतने सुंदर है ना, रामानुज आचार्य जी वो कह रहे हैं एक बार अगर हमारे बीवी की तरफ में देखोगे ना ये पत्थर को देखना भूल जाओगे। उनको रामानुज आचार्य जी को बोले, तो रामानुज आचार्य जी बोले अगर इससे कोई सुंदर चीज दिखा दे तो भले उसको मैं देखूंगा, फिर इसको छोड़ दूंगा, इसको छोड़कर अगर मैं इसको देखूंगा, बोले ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, रामानुज आचार्य जी को सर पर उन्होंने वो धनुर्धर को सर पर उन्होंने हाथ रखा, ठाकुर जी से प्रार्थना किया, ठाकुर जी क्योंकि हम इस इन्हीं नेत्रों से हम ठाकुर का दर्शन नहीं कर सकते, इन्हीं आंखों से ठाकुर दर्शन नहीं होता है, ठाकुर का दर्शन कब होता है, कहते प्रेमांजन छुरीता भक्ति विलोचन, हमारे आंखों में काम क्रोध लोभ का अंजन लगा हुआ, लेकिन जब प्रेम रूपी अंजन को हम लगाए ना तभी ठाकुर जी इसी को द्वारा ठाकुर दर्शन मिलता है, इन्हीं आंखों से ठाकुर का दर्शन हम नहीं कर सकते हैं। तब प्रार्थना किया, ठाकुर जी आप थोड़ी इसको पर कृपा करो, अपना रूप को थोड़ा दिखाओ है, थोड़ा रूप को दिखाओ। इतने में जब उनका सर पर उन्होंने हाथ रखा, उनका अंदर में दिव्य शक्ति को उन्होंने संचारित किया, संचार करते दिव्य चक्षु प्राप्त हुई, फिर उन्होंने ठाकुर जी को दर्शन किया, इतने सुंदर ठाकुर जी थे, इतने सुंदर कोटि कदर्प कमनीय विशेष रूप, भगवान कैसे बोले करोड़ों काम देव भी यहाँ पर मूर्छित हो जाए, इतने सुंदर श्री ठाकुर जी। जब एक बार उन्होंने ठाकुर जी को दर्शन किया ना, उसको बाद में फिर तो अपना पत्नी को देखना उसने अपना पत्नी को देखना उसने भूल गया, उसके पत्नी को देखना और भूल गया, तभी से कभी भी पत्नी को तरफ नहीं देखा, क्योंकि जो इसी जगत में जो शरीर रूप है किस चीज में, वो टाटी पेशाब खून पी के अंदर में तो कुछ है नहीं है, यही चीज है अंदर में टाटी पेशाब खून की रूप है। इसी चेहरा को देखो, जवानी में जिस चेहरा को बार बार देखते जो बुढ़ापा आ जाता है, फिर वो चेहरा देखने की इच्छा करती है, फिर इच्छा नहीं करती वो चेहरा को देखने की, और इच्छा नहीं करती क्योंकि इसके अंदर में टाटी पेशाब खून पी और कुछ है नहीं, अगर दो बार पतला पायखाना हो गया ना आंख सामने निकल जाती है, रसगुल्ला जैसे है वो आंख निकल जाती है, सारा चेहरा मेरा नहीं उतर जाती है, सारा चेहरा मेरा है। इसलिए इतना बड़ा भक्त बन गया ना, इतने बड़ा उसने भक्त बना है, तो रामानुज आचार्य की इतने सेवा की। अब वो जो कथा सुना रहे थे, बोले क्या होता था कि जब कावेरी नदी में नहाने जाते थे, ये धनुर्धर को कंधे पर हाथ रख नहीं, उनका जो सन्यासी शिष्य बहुत थे उनको कंधे पर हाथ रख करके जो तेल लगा करके कावेरी नदी में स्नान करते थे, लेकिन जब ऊपर उठते थे उसका जो धनुर्धर जो शिष्य था उसको कंधे पर हाथ रख करके पानी से ऊपर उठते थे। अभी शिष्यों में काना खुशी होने लग गया, बोले गुरु जी जब तेल लगा करके अपवित्र होते हैं, तेल लगाने के बाद अपवित्र हो जाते हैं, अपवित्र होते हैं हमारे कंधे पर हाथ रख कर तो नदी में स्नान करते हैं, लेकिन जब ये स्नान कर लेते हैं और ये गृहस्थ है धनुर्धर के गृहस्थ है और जब पवित्र गुरुदेव होते हैं फिर इनकी कंधे पर हाथ रखकर उठते हैं, अरे जितने शिष्यों का अंदर ना काना खुशी होने लग गए, बोले गुरुदेव हमारे साथ में अन्याय कर रहे हैं। अभी ये बात धीरे धीरे श्री रामानुज आचार्य जी के कान में गया,
जब गुरु जी ये बात को सुने दुखी हुए, क्योंकि गुरु जी हर समय पवित्र है, गुरु जी कभी अपवित्र होते ही नहीं है। गुरु जी अपराकृत है, ठाकुर जैसा साक्षात लक्ष्मण हो है वो तो साधारण है नहीं। तो गुरु जी ने उनको परीक्षा कराना चाहा, देखो जी जो अच्छे तरह समझो परीक्षा कर रहे। बोले क्या परीक्षा कर रहे हैं? एक दिन उनका जो सन्यासी शिष्य ऊपर में कपड़े रख करके ये सब के सब नीचे स्नान करने के लिए गए थे, गुरु जी ने एक शिष्य को देख करके बोला एक काम करो, उसकी कपड़ा के साथ उसकी कपड़ा, उसको कपड़ा के साथ उसकी कपड़ा, थोड़ी सी अदला बदला कर दे। तो अदला बदला कर दिए, जब उन्होंने शिष्य लोग सन्यासी लोग ऊपर आए, देखा अपना कपड़ा हुआ ही नहीं, वहां कपड़ा हुआ वहां कपड़ा हुआ, अभी तो लड़ाई झगड़ा होने लग गया। बोले तुमने मेरी कपड़ा कैसे ले लिया, यहाँ मेरी कपड़ा थी वहां कैसे गया, उसने कहा मेरी कपड़ा यहाँ थी वहां। अभी शिष्यों में तो लड़ाई झगड़ा होना शुरू कर दिया है, लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। इतने में गुरुदेव ने जाकर के किस तरह से शांत कर दिया। तो एक दिन क्या होता था, जैसे आप लोग कथा सुनने के लिए आते हैं ना, ये धर्मधर रोज गुरु जी कथा सुनने जाते थे, रोज गुरु जी कथा सुनते थे। बोले देखो एक काम करियो, अपना शिष्य को बोले आज तुम लोग धनुर्धर घर में जाकर के जितने उनकी घर का सारी सामान है ना सबके सब चोरी करके ले आए, जब चोरी करके ले आओगे जब मेरे को इशारा करोगे तब मैं कथा खत्म करूंगा, क्योंकि वो धनुर्धर कथा में बैठ करके तब कथा सुनता है। गुरुदेव जब तब कथा को समाप्त नहीं करते जाएगा नहीं, ये जाएगा नहीं, जो इशारा करोगे फिर मैं कथा समाप्त करूंगा। बोले ठीक है। इतने में उनका जो शिष्य लोग थे ना गए उनको घर में चोरी करने के लिए। इतने में धनुर्धर का पत्नी सो रही थी, धनुर्धर का पत्नी सो रही थी, जब सो रही थी इतने में देखा उनका गुरु भाई लोग आए, मतलब गुरु भाई रामानंद जी का आचार्य शिष्य गुरु भाई लोग आए और एक एक सामान को उठा उठा कर ले जा रहे। बोले हमारी कितने सौभाग्य है, आज गुरु जी की सेवा के लिए हमारे गुरु भाई गुरु जी की सेवा के लिए सामान को ले जा रहे, अच्छी बात है गुरु जी की सेवा के लिए ले जा रहे। वो तो खुश हो रही थी, बड़े प्रसन्न, जान बुझ करके आंख बंद कर दी, सारे सामान को गुरु जी की सेवा के लिए ले जाए, देखो कितने ऊंची भावना है। इतने में वो जब सो रही थी उसके शरीर में सोने चांदी की सब थी गहना, एक एक गहना को उतारने लग गए, और ऐसे सो रही थी और एक एक गहना को उतारने लगी, जान बुझ करके ना वो सो नहीं रही थी, जान बुझ करके आंख बंद कर दी। क्यों? मेरे गुरु भाई लोग गुरु जी की सेवा के लिए शरीर की गहना नहीं जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात, बड़े प्रसन्न हो रहे थे। उन्होंने देखा एक साइड का गहना को तो उतार दिया, लेकिन दूसरे साइड की बाकी रह गया, सोचा ये क्यों बाकी रह जाएगा, ये भी गुरु जी की सेवा में लग जाए। इसलिए उसने क्या किया, वो जान बुझ कर जब उन्होंने करवट लिया ना, उनको पता चला रही तो जग गए घर, तो जितने गुरु भाई सामान को लेकर भगे पास, जब भगे इतने में उन्होंने आकर के बोल दिए, बोले गुरु जी उसका घर का सारे सामान ले आए, अभी कथा को समाप्त कर दो। जब कथा समाप्त हो गया धनुर्धर घर अपना घर में गया, तब गुरु जी ने बोले रामानुज आचार्य जी जाओ छुप छुप कर इसको पीछे जाओ, ये दोनों आपस में क्या बात करते हैं सुनना और मेरे को बोलना। देखो कितने बड़े भक्तिमान है, कितने बड़े, जब उन्होंने पीछे पीछे गए और छुप छुप कर सुने आपस में क्या बात कर रहे हैं। इतने में उनका पत्नी कहते जानते जानते हो क्या हुआ, बोले क्या हुआ, आज हमारे घर में हमारे गुरु भाई लोग आए थे, बोले गुरु भाई लोग आए थे, बोले हाँ, बोले फिर, बोले घर के सारे सामान को लेकर गए, बोले वाह गुरु जी की सेवा के लिए सामान लेकर गए, बोले मेरे से गलती हो गई, बोले क्या गलती हो गई, बोले शरीर का एक साइड का गहना को तो उतार कर उतार दिया, मैंने सोचा मैं तो जानबूझ कर आग बंद की हुई थी, मैंने सोचा शरीर का एक तरफ का गहना को तो उतार लिया और दूसरे तरफ पे पानी क्यों रह जाएगा, इसलिए मैंने जब थोड़ा करवट लिया ना जग गई हूँ आगे। और रामानुज आचार्य पत्नी को इतने डांट लगाई, बोले तुमको करवट लेने का क्या जरूरत था, तू वैसे पड़ी रहती ना उतार करके ले जाते, एक शरीर का एक साइड का गहना तो गुरु जी की सेवा में लग गया और ये बाकी क्यों रह गया। पत्नी को इतने डांट लगा रहे थे तुमने बड़े गड़बड़ की है, हाँ मेरे से गलती हो गई। जब ये बात शिष्य लोगों ने सुने, जब वापस आए बोले क्या सुना तुम लोगों ने, ऐसे ऐसे बात, बोले देख लिया ये कपड़े मैंने तुमको कपड़ा दिया था, कपड़ा तो मैंने दिया है ना, थोड़ी सी कपड़ा अगर अदला बदला हो गया और तुम लोग अपने से लड़ पड़े हैं, देखो उसकी देखो गृहस्थ है लेकिन शरीर का एक अंग का सारे सोना
गहना लग गया तो दूसरे अंग पर नहीं लग पाया और डांट लगा रहे हैं, तुम कर्पट रहने का क्या जरूरत था? अभी ये बताओ, तुम बड़े ना ये बड़े? तुम बड़े वो तो गृहस्थ है, लेकिन तुम लोग तो सन्यासी हो, त्यागी हो, लेकिन देखो गुरु जी की सेवा के लिए इनकी कितने भावना है। इसलिए चैतन्य भागवत में बताया, गृह हो त्यागी हो भक्त भेद नाही, भक्त भेद देखने से कुंभी बांध जाए। भक्तों में भेद नहीं करनी चाहिए, नहीं ये गृहस्थ हम त्यागी नहीं, जो जहां पर रह करके जो जितने गुरु जी की सेवा ठाकुर को सेवा जो जितना निष्ठा पूर्वक करते हैं ना उतना बड़ा है, उतना ही बड़ा है। इसलिए आप लोग ये मत समझे हम गृहस्थ है, नहीं, अगर घर में रहते हुए ठाकुर की सेवा गुरु वैष्णव की सेवा में अगर समर्पित आत्मा है तो जो जहां जहां रह करके भक्ति करते हैं जितना वो उतना ही श्रेष्ठ है। इसलिए ऐसे ही श्री रामानंद जी का जीवन में बहुत बहुत अच्छी अच्छी उनकी लीला चरित्र है, उनकी बहुत बहुत अच्छी शिक्षाएं है इनके जीवन में। इसलिए आज इनकी अभिभावन तिरुभाव तिथि, आज इनकी तिरुभाव तिथि है, इनकी बड़ी सुंदर सुंदर उपदेश भी है, बहुत अच्छी अच्छी उपदेश निकाले। इसलिए हम होगा तो इसको हम बाद में सुनेंगे, बोलो ठीक है, ठीक है, टाइम हो गया, कल भी कुछ कथा सुन ले, रामानुज आचार्य की जय। परसों परसों है ना, परसों शाम को 6 बजे से इनका प्रोग्राम है, उन्होंने सारे भक्तों को निमंत्रण कर दिया, प्रसाद की व्यवस्था की है, इसलिए आप सबको ये निमंत्रण दे रहे हैं, कथा कृपया आप लोग वहां पर पधारो और वहां पर कीर्तन हरि कथा के आनंद लो और प्रसाद के आनंद लो, ये सबको ये आप निमंत्रण दे रहे हैं, इनकी निमंत्रण में ठीक है। क्या नवीन भाई आप कुछ बोलेंगे? नहीं, कल कल सुना लो अच्छे तरह, उनका बहुत सारे जीवन चरित्र है, ग्रंथ से पढ़ करके आना ठीक है। गौर ब्रह्मानंद।